अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ एंड मैट्रिक की फिजिक्स चैप्टर नंबर 3, काइनेमेटिक ऑफ लीनियर मोशन। इसमें हम बहुत सारे मोशंस, रेस्ट एंड काइनेमेटिक, डायनामेटिक्स और मोशन के टाइप, इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट होता है क्या है, मोशन क्या होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं रेस्ट। रेस्ट है इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट पोजिशन with respect to its surrounding, then the body is said to be in a rest, in a state of rest। तो मतलब जो rest body है वो अपनी position change नहीं करती with respect to surrounding के। जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, अब मेरे सामने कोई student आ जाए, तो उनकी नज़र में जो मैं अपनी पोजीशन, जो मेरी अपनी पोजीशन है, मैं अपनी चेंज नहीं कर रहा पोजीशन, तो ये क्या, एक मैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मैं रेस्ट में हूँ। तो हम पढ़ते हैं इसकी दूसरी, मोशन। मोशन इफ अ बॉडी कंटिन्यूसली चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इट्स सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन। अच्छा, मोशन, अब जो हमने रेस्ट में पढ़ा था, एक बॉडी डज नॉट चेंज पोजीशन, वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही थी। अब मोशन में कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी। जैसे मैं आप लेक्चर दे रहा हूँ, ऐसा तरीके से मैं अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा हूँ। तो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, कोई भी सराउंडिंग में अगर मेरे को देखेगा कि मैं ऐसा रेस्ट में हूँ या मोशन में, तो मैं अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, मैं मोशन में हूँ। अच्छा, अब ये देखा जाए कि एक पर्सन बस में बैठा हुआ है, बस कंटिन्यूसली मूव हो रही है, चल रही है, तो देखा जाए तो, लेकिन वो जो आदमी, जो लड़का जो बैठा हुआ है बस में, वो तो रेस्ट पोजीशन में, लेकिन सराउंडिंग से देखा जाए तो बस तो मूव हो रही है, लेकिन सराउंडिंग से देखा जाए तो वो क्या है, मोशन में है, कंटिन्यूसली चेंज पोजीशन। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।